नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 30 जून के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो आप आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एच पी बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो 29 जून को यहाँ पे जारी होना था, तो क्या वो जारी हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एच पी ने जो है वो यूजी और पीजी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करा है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही एच पी यू एमएससी एमकॉम और जो दूसरे पीजी के कोर्सेज हैं उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एच पी पी जी इकाड्योल प्राइवेट और एच पी यू रीजनल सेंटर धर्मशाला में एडमिशन्स कब से होंगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एच पी यू जी फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो रिजल्ट हैं वो कब तक जारी होंगे, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एच पी यू यू जी और पी जी परीक्षाओं की बात करें, तो एच पी यू ने जारी किया है यू जी पी जी परीक्षाओं का शेड्यूल। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ओर से अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में बी ए बी एस सी बी कॉम का परीक्षा का जो शेड्यूल है वो जारी हो गया है। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग 2013-14 और 2015 बैच के छात्रों के जो स्पेशल चांस के एग्ज़ाम हैं वो होंगे। इसमें जूलॉजी की परीक्षा 11 को, इसी के साथ जियोलॉजी की परीक्षा 12 जुलाई को होनी है। एमएड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा का शेड्यूल भी जो है वो जारी किया गया है। इसमें परीक्षाएं 16 से 26 जुलाई तक चलेंगी। इसके साथ ही यहाँ पे भोटी भाषा की परीक्षाएं भी 16 से 18 जुलाई तक होंगी। डिप्लोमा इन योगा स्टडीज़ की परीक्षाएं 16 से 24 जुलाई तक चलेंगी। यूनिवर्सिटी की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की परीक्षाएँ भी जो हैं वो 11 जुलाई से चलेंगी। ये परीक्षाएं 22 जुलाई तक चलेंगी। शाम के सेशन में ये परीक्षाएं होनी हैं। इसके साथ ही मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की री अपेयर की परीक्षाएं भी 4 जुलाई से 18 जुलाई तक चलेंगी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ओर से बीटेक सिक्स्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं का जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। ये परीक्षाएँ 2 जुलाई को शाम के सेशन में होनी हैं। और ये जो आप लोग कम्प्लीट डेट शीट है, आप लोग एच पी डेट शीट वाली वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एच पी बी एड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट है उससे संबंधित रहेगा। तो यहाँ पे जो है वो जब एच पी बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रोस्पेक्टस जारी हुआ था, तो उसमें जो टेंटेटिव डेट थी यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट की वो 29 जून यहाँ पर थी। तो यहाँ पर एच पी के अकॉर्डिंग जो है वो 29 जून को बी एड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो आना था। तो क्या पिछले का ये रिजल्ट जो है वो जारी हो गया है? तो अभी तक जो है वो एच पी बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट यहाँ पे जारी नहीं हुआ है। तो जो टेंटेटिव डेट शीट थी तो उस पर तो ये रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। लास्ट ईयर भी जो टेंटेटिव डेट्स यहाँ पे होती है उस पर रिजल्ट कभी भी नहीं आता है। यहाँ पर रिजल्ट आने में जो है वो देरी होती है। तो अभी आप लोग यही होप लगा के चलो कि जो बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो यहाँ पे जुलाई सेकंड वीक तक ही जारी होगा। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एच पी पी जी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट हैं उनसे संबंधित रहेगा। तो एच पी ने जो है वो पिछले कल यहाँ पे एम बी ए रूरल डेवलपमेंट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। इसी के साथ एम ए के कुछ एक कोर्सेज के रिजल्ट भी जारी हुए हैं और साथ में एम बी ए के एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट भी यहाँ पर जारी हुआ है। बाकी जो एम ए के दूसरे कोर्सेज हैं जिसमें आपका एम ए इंग्लिश हिंदी हो गया, हिस्ट्री पोलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स हो गया, एम कॉम हो गया और एम एस सी के कोर्सेज हो गए, तो उनके रिजल्ट जो हैं वो अभी तक यहाँ पे जारी नहीं हुए हैं। तो ये जो दूसरे पेंडिंग रिजल्ट हैं एच पी एंट्रेंस एग्ज़ाम के वो अभी विद इन वीक यहाँ पे जारी हो जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जो है वो बाय वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। इसी के साथ अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि एच पी यू में जो अभी इकाड्योल और प्राइवेट की एडमिशन्स होनी है, साथ में एच पी यू रीजनल सेंटर धर्मशाला में एडमिशन्स होनी है, ये एडमिशन्स जो है वो कब तक होंगी? तो एच पी यू इकाड्योल के थ्रू जो एडमिशन्स होनी है वो आपकी जुलाई लास्ट और अगस्त में जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। इसी के साथ प्राइवेट एडमिशन्स की बात करूँ तो प्राइवेट एडमिशन्स के लिए जो है वो सिंपल सा एग्जामिनेशन फॉर्म ही वहाँ पे फिल होता है और उससे पहले आरएमई फॉर्म जो है वो फिल करना होता है। तो जो भी प्राइवेट के थ्रू यहाँ पे पीजी करना चाहते हैं वो यहाँ पे अक्टूबर में जो है वो अपना आरएमई फॉर्म फिल कर लें और नवंबर में जैसे ही वहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, तो उस टाइम जो है वो वहाँ पे उनका फॉर्म फिल हो जाएगा और उनकी प्राइवेट में एडमिशन हो जाएगी। एक अड्यूल में एडमिशन लेनी पड़ती है और वहाँ पे जो एडमिशन है वो जुलाई लास्ट और अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ एच पी यू रीजनल सेंटर धर्मशाला की बात करें तो उनके एडमिशन्स भी जैसे ही यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा यू जी फाइनल ईयर का, तो उसके बाद वहाँ पर भी जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो नॉर्मली उनकी जो एडमिशन्स फॉर्म है वो यहाँ पर
जुलाई सेकंड वीक तक जो है वो आ सकते हैं। बाकी जैसे ही वहाँ पे भी कोई और अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे जरूर इन्फॉर्म करूँगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU रिजल्ट से संबंधित रहेगा। तो HPU का जो UG फर्स्ट और सेकेंड ईयर का रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, तो बड़े ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो मुझसे ये पूछ रहे थे। तो HPU UG फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे सितंबर में जो है वो जारी होगा और UG का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे अगस्त में जारी होगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपको डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।